ये हमारी मिक्सी, ये मिक्सी अपनी लकड़ी की मिक्सी भाई, अगर आपने भी कहीं देखे तो ये देख लो, कुटाई चल रही है इसकी तो केलों की। ये चटनी बनाई जा रही है भैया केलों की, चटनी बनाने के बाद उसके बाद शेक होएगा ये। ये स्टाइल देख लो भाई, नई स्टाइल में अगर आपको शेक पीना है तो आप फटाफट आ जाओ टोनी कोल्ड ड्रिंक पे। तो ये लीजिए दोस्तों, आज हम आ चुके इतनी गर्मी में आपको गर्मी का एक ऐसा रिफ्रेशिंग ऐसा सोडा पिलाने और ऐसा शेक और ऐसा जूस पिलाने के भाई आप पीते ही रह जाओगे। आज हम आए हैं भोलानाथ नगर में, आज हम आए हैं बाबूराम स्कूल के जस्ट बाहर, हम आए हैं टोनी कोल्ड ड्रिंक पे। भाई यहाँ पे मिलता है वोल्केनो सोडा, और उससे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर आज आपको पिलाऊंगा शेक, जो कि होने वाला बनाना शेक, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। आइए पहले आपको भैया से बात कराते हैं और दिखाते हैं बनता कैसे है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम क्या है? जतिन। जतिन नाम है भैया। भैया किस टाइम, पहले तो आप अपना टाइमिंग बता दीजिए, अपना टाइमिंग क्या होता है? हमारी टाइमिंग सुबह 11 बजे के बाद में रात को 10 बजे तक की रहती है। रात को 10 बजे तक की रहती है। और क्या क्या आप यहाँ पे लोगों को पिला रहे हैं? यहाँ पर हमारे नॉर्मल शिकंजी वगैरह मिल जाएगी, और सोडे मिल जाएंगे, मसाले सोडे वगैरह मिल जाएंगे, और मॉकटेल हो गए, मोहितो हो गए, शेक हो गए, ये सब हैंडमेड शेक होते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके से शेक हमारे पास मिल जाएंगे। डिफरेंट तरीके के, मतलब कि गर्मी में जो गर्मी लग रही है तो पूरा रिफ्रेशिंग होने का सारा सौदा आपके पास है। हाँ जी, जैसे बंदे बोलते ना कि 150 रुपये फ्रेश लेमन, हमारे पास 30 रुपये वाला फ्रेश लेमन पियो और फिर बताना कि हमारा रिव्यू कैसा होना चाहिए, आपका रिव्यू कैसा होना चाहिए। देख रहे हो यार, मतलब जो आप 150 रुपये की चीज़ पियोगे और वही सेम चीज़ भैया के पास ओनली 30 रुपीज़, उससे बढ़िया भैया कह रहे हैं गारंटी हो, उससे बढ़िया चीज़ आपको ओनली 30 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। और भैया के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो वोल्केनो सोडा। वोल्केनो सोडा वो भी हमारे पास में, वो जो दिल्ली का सब फर्स्ट वोल्केनो जो हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, अगर आप वो ट्राई करेंगे तो वो भी ऐसा है एकदम फ्रेश करने वाला, वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट है। वो सिर्फ ओनली 20 रुपीज़ से भी, सिर्फ वो सिर्फ 20 रुपये से स्टार्टिंग है, फ्लेवर कुछ भी ले सकते हैं आप। अच्छा, ये मशीन अपनी प्रोसेस कैसे करती है, थोड़ा सा और समझा दीजिए। ये मशीन जो है, ये जो हमारा पंप है, ये जो मशीन में पानी डालता है और इसके अंदर बर्फ और पानी दोनों होती है, दोनों होती है। हाँ, और ये जो मशीन जो है सोडा मेकर मशीन है, पूरी सोडा मेकिंग मेकर मशीन है। हाँ, बिल्कुल। तो आप पहले क्या पिलाने वाले हैं आप हमें? आज आपको हम मैं बनाना शेक पिलाने वाला हूँ। पहले भैया आप हमें बनाना शेक पिलाओगे, फिर उसके बाद एंड में बोल के ना सोडा पिलाओगे ना? कहना सोडा जरूर पिलाएंगे, एंड में पिलाओगे आज। तो देखते हैं भाई, पहले हम अपनी बनाना शेक की मेकिंग, उसके बाद बिल्कुल भाई एंड तक वीडियो देखना, बोल के ना सोडा बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो ये लो जी, हमारी हो रही है बनाना की कटिंग। तो पूरा बनाना चला जाएगा इसके अंदर, पूरा एक बनाना चला जाएगा बनाना शेक के अंदर। तो ये लो जी, अच्छा काट के पहले डालोगे, फिर ये शेक कैसा बनेगा इसका? अभी आप यही तो कलाकारी है। अच्छा, यही कलाकारी है देखने वाली है। आपने देखा होगा कि जो दुकानों पे जो शेक वगैरह मिलते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि केला डाल दिया ऐसे नॉर्मली, और बर्फ डाल दी, दूध डाल दिया, बट हमने इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे, और बर्फ जो डालेंगे ऐड करेंगे वो सिर्फ कूलिंग के लिए करेंगे, उसके बाद वो बर्फ भी निकाल देंगे। बर्फ भी निकाल दोगे? यार ये कितनी अच्छी बात है, मतलब कुछ यूनिक चीज़ होने वाली है और शेक से। बिल्कुल। ये हमारी मिक्सी, ये मिक्सी अपनी लकड़ी की मिक्सी भाई, अगर आपने भी कहीं देखे तो ये देख लो, कुटाई चल रही है इसकी तो केलों की। ये चटनी बनाई जा रही है भैया केलों की, चटनी बनाने के बाद उसके बाद शेक होएगा ये। मजा है वो, जैसे कितना घर में अगर जो सिल बटना हो और जो एक मिक्सी हो तो कौन जीतेगा? तो मैं कहता हूँ नॉर्मल सी बात है, सिलबट्टा जीतेगा, सिलबट्टा जीतेगा। तो सिलबट्टे को हम वोट देंगे इस काम में। तो ये लो भाई, भैया का देसी जुगाड़ी है, भैया की देसी मिक्सी है ये, इसकी बना दी भैया ने चटनी, एक बार देख लो, ये देखो भाई ये बन चुकी है इसकी पूरी प्रॉपर, देखिए चटनी पतला करते हैं जितना इसमें बनाना शेक का पल्प आए। अच्छा हाँ, और इसमें आएगा काजू का पल्प डालेंगे। अच्छा, इसमें काजू का पल्प डालेगा। और कॉस्टिंग क्या रहती है इसकी? कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, 80 रुपये रहेगा। अच्छा, ओनली 80 रुपीज़ है। तो ये क्या डाल लो भैया इसके अंदर? अच्छा, लिक्विड शुगर है, जितना स्वाद के अनुसार अगर आप चाहो तो वो उतना डलवा सकते हो। चलो जी, ये आ गया हमारा लिक्विड शुगर, और इसके अंदर अभी सिर्फ हमारा जो आया है बनाना आया है, और थोड़ी सी काजू मैश आई है, थोड़ी सी काजू, और इसके अंदर लिक्विड शुगर आई है अपनी। ये लो जी हमारी देसी मिक्सी, देख लो एक बार आप, लकड़ी की देसी मिक्सी, ये देखो एक बार, हल्का सा किशमिश आएगा इसमें। अच्छा, हल्का सा किशमिश आएगा तो यार शेक जबरदस्त होने वाला है। इसका ना ड्राई फ्रूट भी इसमें खूब भर भर के डाल रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्वांटिटी भी ये नहीं कि 2-4 डाल दी है, पूरी अच्छे से क्वांटिटी डाल रहे हैं भैया इसके अंदर। शेकर के अंदर थोड़ी सी बर्फ। हाँ, 2 क्यूब डाले। अच्छा, 2 क्यूब भैया ने डाल दिए अंदर शेकर के अंदर, 2 क्यूब डाले। उसके बाद ये थोड़ा सा दूध आएगा इसमें। अच्छा, दूध आ जाएगा अब इसके अंदर, और दूध फुल क्रीम का यूज़ करेंगे। फुल क्रीम का दूध यूज़ करोगे, मतलब नमस्ते इंडिया का फुल क्रीम, नमस्ते इंडिया फुल क्रीम दूध यहाँ पे यूज़ हो रहा है। टोंड वाले दूध का कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल काम नहीं है।
ये लो सीधा थैली से नमस्ते इंडिया का दूध हमारे शेक के अंदर। और ये भैया शेकर में मिक्स होगा पहले? अभी तुम देखते रहना। अरे यार ऐसे मत ले तू। ये आ गया हमारा शेकर में, जो दो क्यूब आई थी हाँ अब उसके अंदर जाएगा ये। अरे रे रे ये सारा आइटम डाल दिया है भैया ने शेकर के अंदर। ये आ गया हमारा शेकर का ढक्कन। ये स्टाइल देख लो भाई, नई स्टाइल में अगर आपको शेक पीना है तो आप फटाफट आ जाओ टोनी कोल्ड ड्रिंक पे और रिफ्रेशमेंट आप इतने हो जाओगे। ये देखो भाई, ये देखो एक बार, ये ऑलमोस्ट हो चुका शेक तैयार। अभी ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ, अभी मेहनत चलेगी इसमें थोड़ी सी और। फाइव स्टार वाली कोटिंग होने वाली है मतलब इसके अंदर? अच्छा अच्छा कैरेमल आ गया इसके अंदर पहले गिलास के। ये देख लो भाई, अच्छा दोबारा से फिर और मिल्क ऐड हो जाएगा। मतलब ये गिलास भी बिल्कुल बढ़िया से फुल होने वाला है, ये नहीं कि छोटा गिलास बनने वाला है। 80 रुपये में कोस्ट ऑफ बर्थ होने देने वाले हो आप? ये मैंने आपको बताया था। हाँ बर्फ होगी इसके अंदर, वो बर्फ निकाल दोगे इसके अंदर जितनी भी होगी, जो ठंडक पहुँचनी थी वो पहुँच चुकी है। तो ये लो जी जो बर्फ थी निकाल दी भैया ने, अब ये आएगा अपने गिलास के अंदर। एक बार देख लो प्योर दूध के अंदर जो भैया ने बनाना अपनी देसी मिक्सी से करे थे क्रश। और कुछ भी डालोगे अभी इसके अंदर? अच्छा अब डालेंगे। अच्छा अभी तो शुरुआत है। ये लो भाई अभी तो शुरुआत है, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा अभी वनीला आइसक्रीम, अच्छा वनीला आइसक्रीम भी जाएगी इसके अंदर प्रॉपर भाई, ज़बरदस्त शेक होने वाला है ये। ओहो पूरी एक आइसक्रीम जाने वाली है इसके अंदर। ये लो भाई पूरा क्यूब इसके अंदर जा चुका है आइसक्रीम के। रोज पेडल, रोज पेडल लो जी ये आ गए पहले हमारे रोज पेडल्स। ये देखे कितनी बढ़िया लग रही हैं, जैसे भैया बोल रहे थे अभी शुरुआत है भाई। मुझे सच में लग रहा है भैया जितने भी भैया के पास बॉक्स हैं जिसमें जितने भी खजाने सब डालने वाले इसके अंदर। ये आ गई चेरी, ग्रीन चेरी और किशमिश डाल दोगे इसके अंदर भाई, ये क्या होने वाला शेक होने वाला, क्या होने वाला है वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो भाई, मज़ा आने वाला है। अच्छा ये आ गई हमारी काजू। ओ भाई ये तो बिल्कुल मतलब फुली लोडेड होने वाला है, ये शेक के अंदर कोई कमी नहीं रहने वाली पीने के बाद। 80 रुपये तो खर्च कर रहे हो भाई जी। अच्छा 80 रुपये खर्च कर रहे हो तो चीज़ होनी चाहिए। ये चोको स्टिक आ गई यार, ये तो देख के ऐसा मन कर रहा बस पी लो ऐसे, तो रुको मत। कितनी देर में करोगे आप इसे तैयार? अभी करेंगे करेंगे, अभी आपको देखते हो अभी। अच्छा देखते रहे अभी। ये लगा दिए भैया ने स्पून यार, एक बार शेक देख लो आप क्या जबरदस्त शेक होने वाला है ये। अच्छा अभी इसके अंदर और बनाना कि आप जो मैंने आपको बताया था, अच्छा जो एंड में जो आधा बनाना आपने बताया था इसीलिए बताया था भाई, बनाना शेक के साथ पूरा बनाना खाओ, इतना बढ़िया से भैया ने बनाना तैयार शेक तैयार कर दिया। ये देखो क्या क्या नहीं डाला, चोए होए अभी चॉकलेट की भी कमी रह गई थी भैया इसके अंदर, सिरप की भी कमी रह गई थी भाई। इतना मूड रिफ्रेशिंग इसने भैया ने बनाते हुए इतना मूड रिफ्रेशिंग कर दिया, पीने के बाद सच में मूड रिफ्रेशिंग होने वाला, इतना ज़बरदस्त शेक लग रहा। स्वीट बॉल, स्वीट बॉल्स लो भाई, इनकी और कमी थी। तो जी ये हो गया हमारा शेक तैयार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एक बार देख लो आप क्या क्या भैया ने इसके अंदर नहीं डाला, टेस्ट करके आपको जरूर बता देता हूँ। चलो भाई टेस्ट करके आपको शेक का बता देता हूँ, देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है भैया ने इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें डाल दी है, बनाना है ये रोज पेटल्स हैं, काजू किशमिश चेरी आइसक्रीम भाई, भर भर के लोडेड शेक होने वाला। रुपीज़ जो इसकी ओनली ओन 80 रुपीज़ का ये है भाई, भी आपको टेस्ट करके बता देता हूँ, मेरे पे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। ये देखो ये शेक है, समझ नहीं आ रहा, फाइव स्टार वाली फीलिंग आ रही है जैसे भैया बता रहे थे। भाई क्या कहूँ मैं शेक के बारे में, भाई अगर बात करूँ शेक की क्वालिटी की तो जो भैया ने अपनी देसी मिक्सी से शेक बनाया है, जूसर से शेकर से शेक बनाया है, लाजवाब इस शेक का टेस्ट आ रहा है। सच में यही शेक आपको मैं मानता हूँ किसी रेस्टोरेंट में किसी कैफ़े में जाके मिनिमम 150-200 रुपये कोस्ट करने वाला है, पर यहाँ पे आपको ओनली 80 रुपीज़ का शेक पड़ जाएगा। और टेस्ट में एक नंबर 10 out of 10 मैं शेक को देना चाहूँगा भाई, मैं ले रहा हूँ अपने अल्टीमेट शेक के मज़े। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी भाई लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते। चलो भाई ये लग रहा है हमारा बोल के ना सोडा।
ये देखो भैया, उसमें गिलास में भी डालना है थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। ओ भाई, ये डालना हमारा सोडा। भाई बिल्कुल नाक तक आ चुका था जब, ये बिल्कुल उछल गया एकदम।